हे हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य झा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल के न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल के वीडियोस में लाइक और डिसलाइक काउंट को कैसे हाइड कर सकते हो। यानी कि अगर आप अपने YouTube चैनल के वीडियोस के लाइक और डिसलाइक को हाइड कर लेते हो तो आपकी YouTube चैनल पे कितने लोगों ने लाइक किया है या कितने लोगों ने डिसलाइक किया है वो किसी को भी शो नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपका मेरे तरह एक नया नया YouTube चैनल है या फिर अगर आपके वीडियोस पे बहुत से डिसलाइक्स आ रहे हैं तो आपको अपने YouTube चैनल के वीडियोस के लाइक और डिसलाइक को हाइड जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके वीडियोस पे बहुत से डिसलाइक्स आ रहे हैं और अगर आपके वीडियो पे कोई नया यूज़र आता है तो वो ज़्यादा डिसलाइक को देख के वीडियो वहीं से छोड़ के चला जाएगा या फिर डिसलाइक भी कर देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो सेटिंग्स बताऊंगा। जो सबसे पहला सेटिंग ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी एक चुना हुआ वीडियो हो, यानी आप चाहते हो कि आपका खाली कोई एक वीडियो है या कोई एक पर्टिकुलर वीडियो, चाहे आप जो चुने हैं वो वीडियो को उसी में खाली लाइक और डिसलाइक आपको हाइड करना है, तो आप पहले सेटिंग्स की मदद से वो कर सकते हो। और दूसरे सेटिंग की मदद से दोस्तों, अगर आप अपनी वो सेटिंग करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस अपलोड करोगे उस वीडियोज़ में अपने आप लाइक और डिसलाइक हाइड हो जाएगा। फिर वापस आपका जब मन करे आप उस सेटिंग को ऑफ कर सकते हो, फिर आपसे आप जो भी वीडियो अपलोड करोगे उसमें लाइक और डिसलाइक शो करने लगेगा। सो हे गाइस, दिस इज आदित्य झा एंड यू आर वॉचिंग आदित्य ऑन यूट्यूब। सो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है या फिर आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो उसको आपको ओपन कर लेना है। बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च बार में सर्च करना है YouTube स्टूडियो। अब जैसे सर्च करते हो यहाँ पे आपको एक 3 डॉट दिखता है, उस पर आपको क्लिक करना है। बाद में यहाँ पे जो आपको एक डेस्कटॉप साइड करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपका टिक नहीं रहेगा, उस पर आपको टिक लगा देना है। अभी मेरा टिक लगा है तो मैं बैक कर लेता हूँ। बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको टॉप पे एक YouTube स्टूडियो करके एक ऑप्शन मिल जाता है कि YouTube स्टूडियो लिखा है, उस पर आपको टैप कर देना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब उस पे लिंक पे क्लिक करते ही अपने यूट्यूब चैनल के यूट्यूब स्टूडियो में आप आ जाओगे। अगर आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो आपको यहाँ पे आइकन पे क्लिक करके अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक 3 लाइन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, आपको उस पर आपको टैप करना है। फिर यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करोगे तो आपको एक वीडियोस का बटन मिलेगा, देखिए मुझे मिल गया है, उस पर आपको एक बार टैप कर देना है। अब जैसे ही उस पर टैप कर देते हो आपकी यूट्यूब चैनल में जितने भी वीडियोस हैं यहाँ पे सभी शो करेंगे। इसमें से आपको अपना यूट्यूब चैनल को वीडियो को सर्च करके आपको सिलेक्ट करना है। बाद में यहाँ पे आप जो आपका टाइटल लिखा रहता है उस पर आप थोड़ा लॉन्ग प्रेस करोगे तो, या तो आप चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे तो एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही उस पर क्लिक करते हो आपको स्क्रॉल करना है और एक सेकेंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा यूज़र रेटिंग का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे एक बटन मिलेगा वो ऑन रहेगा, उसको आपको ऑफ कर देना है। फिर ये अपडेट वीडियो पे आपको क्लिक करके, ये जो चेकबॉक्स है इस पर आपको क्लिक करके अपडेट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों ये हमारा कुछ ही सेकेंड्स में लाइक और डिसलाइक्स हाइड हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ कि मैं लाइक और डिसलाइक हाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं YouTube वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ ही सेकंड्स में YouTube पे रीडायरेक्ट हो गया हूँ। फिर यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा जो लाइक और डिसलाइक से वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। रुकिए, मैं आपको पोर्ट्रेट मोड में भी दिखा देता हूँ कि मेरा लाइक और डिसलाइक शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा लाइक और डिसलाइक यहाँ भी शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये तो हमारा सबसे पहला सेटिंग है जिसमें आप अपना जो वीडियो चुन के आप उसमें अपना लाइक और डिसलाइक को हाइड कर सकते हो। सो चलिए मैं आपको अपना दूसरा सेटिंग बता देता हूँ। दूसरे सेटिंग के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको वापस 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको 3rd ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, अपलोड डिफ़ॉल्ट का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही उस पर क्लिक कर देते हो यहाँ पे एक सबसे ऊपर 2 ऑप्शन है, इसमें से एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपका यूज़र कैन व्यू रेटिंग्स फॉर दिस वीडियो, ऐसा कुछ लिखा होगा तो उसमें आपका ऐसा कुछ टिक होगा तो उसमें आपको उस पर क्लिक करके चेकबॉक्स पर टिक हटा देना है। तो फिलहाल के लिए मेरे को अभी यहाँ पे मेरा पहले से टिक मैंने हटा के रखा था तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे टिक कर देता हूँ। बाद में आपको सेव कर देना है, आपको वहाँ पे टिक रहेगा, आपको टिक हटा देना है। फिर अब से दोस्तों आप अपने YouTube चैनल पे जितने भी वीडियोस पब्लिश करोगे आपके वीडियोस पे ऑटोमेटिक लाइक और डिसलाइक हाइड हो जाएगा।
सो दोस्तों, मैंने अभी आपको बता दिया है कि आप अपने YouTube चैनल के वीडियोस में लाइक और डिसलाइक को कैसे हाइड कर सकते हो। और दोस्तों, मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर अकाउंट को कैसे हाइड कर सकते हो। सो वो वीडियो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और आपको वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा ही वीडियोस आगे भी चाहिए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसा ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।